तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बनियान की कटिंग। साइड पॉकेट बनियान कैसे कटते हैं तो आइए जान लेते हैं। वी गला वाला साइड पॉकेट की बनियान जो बुजुर्गों के लिए बनाया जाता है, तो इसके लिए आपको 2.25 मीटर कपड़े चाहिए। अगर आप 30 इंची से ज़्यादा लंबाई की बनाते हैं बनियान साइड पॉकेट वाली, तो हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और इस तरह से हमने घड़ी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, लंबाई जैसा कि 34 इंची है, ओ सॉरी 32 इंच है, तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा 33 इंची पर निशान लगाएंगे। आपको हम जो साइज बता रहे हैं उसी साइज से आपको कटिंग करना है, आप उसमें घटा बढ़ा भी सकते हैं साइज के हिसाब से। तो इसका शोल्डर जो है वो 18 इंच है, तो हम यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसका चेस्ट जो है 34 इंच है, तो 34 इंची है तो हम 8.5 पर निशान लगाएंगे उसका चौथा भाग चेस्ट का। तो यहाँ से 8.5 इंच चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, यहाँ लूजिंग हम देंगे इसमें 2.5 इंच, तो हम यहाँ 11 इंच पर निशान लगाते हैं और इस तरह से हम इसको निशान लगा लेते हैं यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इसको हम यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और इसका जो बॉटम है इसको आपको रखना है चेस्ट का चौथा भाग और एक्स्ट्रा इसमें रखना है आपको 4 इंच, तो हमने इसको 4 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब हम इसको राउंड वाले स्केल से इसको हम सीधा इस तरह से यहाँ से थोड़ा क्रॉस करेंगे यहाँ से भी, और फिर यहाँ से इसको हम सीधा लाइन खींचेंगे इस तरह से। यहाँ हमने हल्का सा डाउन किया हुआ है, यहाँ आप पॉकेट के लिए साइड पॉकेट के लिए निशान लगा सकते हैं इस लाइन से। जो कमर वाला निशान हमने लगाया है आर्म होल वाला, यहाँ से आपको 7.5 इंच पर निशान लगाना है, फिर यहाँ से आपको 6 इंच पर, और यहाँ से आपको 2 इंच पर। तो ये 2 इंच के हमारा सिलाई होगा, यहाँ से हमारा पॉकेट लगेगा, और यहाँ आर्म होल के लिए हम इसका निशान लगा देते हैं, और शोल्डर हम यहाँ 1.5 इंची डाउन कर देते हैं, और इसको फ्रंट का गला जो है हम यहाँ से रखेंगे 7 इंच क्योंकि ये वी गला है, और यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस कर देते हैं और यहाँ से भी इसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये हमारा मार्जिन हो गया। इसको हम तो फ्रेंड को हमको इस तरह से रख लेना है, और यहाँ 1.5 इंची हमको बैक का गला डाउन कर लेना है, यहाँ से हमको इस तरह से कटिंग कर लेना है, यहाँ नीचे हमको 2 इंची ले जाना है फ्रेंड को, बैक को हम 2 इंची बड़ा रखेंगे। यहाँ शोल्डर देखते हैं, शोल्डर 9.5 इंच हम रखेंगे, और यहाँ से हम इसको एक लाइन खींचेंगे, यहाँ आर्म होल का निशान दे देते हैं इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं, तो और यहाँ जो है निशान कट का मार देते हैं हम यहाँ पॉकेट का। तो इस तरह से आप बैक फ्रंट की कटिंग कर लीजिए, और इसके बाद हम यहाँ आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन इस तरह से आपको घड़ी कर लेना है, यहाँ से इस तरह से। अब इसका रखना है 8.5 इंच, यहाँ से 10 इंच हम रखेंगे आस्तीन की लंबाई, और 2 इंची हम यहाँ फोल्ड के लिए रखेंगे। तो ये थी हमने निशान लगाया इस तरह से, और यहाँ 2.5 इंची हमने रखना है, हम इसको डाउन करेंगे
और इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसको डाउन करेंगे हम तो इस तरह से आप आस्तीन कटिंग कर लीजिए। तो इसको हम इस तरह से घड़ी कर लेते हैं चेंज और यहां से चेंज। इस तरह से आप तो इस तरह से आप साइड पॉकेट कटिंग कर लीजिए। तो ये थी साइड पॉकेट बनियान की कटिंग वी गला वाली। तो हमने इस तरह से आपको वी गला की कटिंग बताया। आप यहाँ इसको बना सकते हैं बड़ी आसानी से। आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से वी गला की कटिंग किया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।